स्टार्ट ये है, तब से 5 मिनट से स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो मैं दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो ये है कि दी आप अपनी एनिवर्सरी गिफ्ट दिखाइए। यस, तो एनिवर्सरी गिफ्ट मैं दिखाने वाली हूँ क्या मिला है मुझे। मैंने जैसा कहा था, मैंने थोड़ा थोड़ा सा खोल के देख लिया है, बाकी पूरा अभी दिखाते हैं। झाजी ने भी नहीं देखा है। तो सबसे पहले झाजी, किस पे हाथ रखना है? इसमें 2 गिफ्ट हैं, बताओ क्या दिखाया जाए। पहले बड़े वाला खोलो, सबसे बड़े वाला। तो ये सबसे पहले खोलते हैं। ये तो सभी को पता है किसने दिया है। किसने दिया है शाजी? कमेंट बताएंगे इसको। छोटे मामा ने, छोटे मामा और छोटी मामी लेके आए थे। और छोटे मामा ने मेरे शायद ही किसी को गिफ्ट दिया होगा, शायद। अब उनकी शादी हो गई है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। मामी की वजह से। यस, मामी उन्हें याद दिलाती हैं आपको ये कर लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो वो भी सुनते हैं मामी की। तो इसमें है क्या एक्चुअली, देखते हैं। मुझे तो पता है, झाजी को दिखाते हैं। अब मामी ने मुझसे पूछा कैसा लगा, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर लगा। इतना बड़ा सा ये है क्या एक्चुअली? न्यूज़पेपर से कवर्ड है। न्यूज़पेपर को छोड़ते हुए अंदर रख दिया न्यूज़पेपर। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल। झाजी, ये दोनों कौन है पता है? कौन है बताओ? कौन है बताओ? आप बताओ, आपसे पूछ रही हूँ मैं। साक्षी है ये तो। और साथ में कौन है? मैं तो वही लग रहा हूँ ये। बिल्कुल, ये हम दोनों हैं। ये वैसे एडम और ईव है, पेड़ के नीचे बैठे हुए। अच्छा, वैसे कितना सुंदर है ना। कहाँ रखेंगे इसे अब? इसे पता नहीं, काफी बड़ा है और बड़ा भी है। बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं इसे कहाँ रखना चाहिए। और आप सब बताना कि कैसा लगा आप सबको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और छोटे मामा छोटी मामी ने ये दिया। और दो चीज़ तो मैं लेके ही नहीं आई। कई लोगों ने कैश भी दिया। जैसे बड़े मामा और बड़ी मामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें। वो मुझसे कॉल करके पूछते, मुन्नू क्या चाहिए? तो कुछ यूटेंसिल सेट चाहिए, कुछ डिनर सेट चाहिए, कुछ केतली सेट चाहिए, या क्या चाहिए, जो भी यूजफुल आइटम हो बताओ। मुझे घर में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। एक्स्ट्रा चीज़ रखने का मतलब, कहते हैं ना कि मुझे नहीं अच्छा लगता एक्स्ट्रा चीज़ें रखना घर में, खाली खाली घर सही लगता है। तो उन्होंने कैश दे दिया है ना, उसका हम कुछ ले लेंगे। अब ये बोलो, एक येलो पैकिंग पेपर हो गया, तो एक ब्लू खोलते हैं। ये जो दिया है, ये दिया है मुझे विभा दीदी ने। और मैं एक और बात सभी को बताना चाहूंगी। आप सभी के कमेंट आ रहे थे एनिवर्सरी ब्लॉग में, आपने तो अपनी नंदों को बुलाया ही नहीं, आपने तो बुलाया ही नहीं नंदों को। हमें तो आपके ससुराल साइड से कोई दिखता ही नहीं है। ये सिर्फ घर घर की ही पार्टी थी, ये नहीं कि मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। स्टिल दीदियाँ तो आएंगी ही आएंगी, बस वो कैमरे में आना पसंद नहीं करती हैं। यूट्यूब पे आना उतना ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो किसी के भी मतलब किसी के भी बातों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम उन्हें कम शो करते हैं। अगर बाय चांस इधर उधर आ जाए तो हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनको डायरेक्टली नहीं दिखाओ कि ये देखो दीदियाँ आ गई हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो हर टाइप का इंसान होता है। अब आप सभी को देखना है उन्हें, तो आप ज़रूर देखिएगा। इन्होंने इन्होंने वो फोटोज वाली वीडियो भी तो शेयर की है, उसमें देखिए वो आए थे, मेरे मेहंदी फंक्शन में भी आए थे और टोटली इंजॉय किया था। जब तक सब थे तब तक वो भी थे, ठीक है। तो कई लोग ऐसे हैं, मतलब सारे नहीं, सबको तो पता ही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने ससुराल वालों को तो बुलाती नहीं हो, सिर्फ हर एक फंक्शन में मायके वालों को बुला लेती हो। तो ज़रा खुद इस बात पे गौर करें, क्या ये पॉसिबल है? आफ्टर मैरिज आप क्या इतना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि मायके को तो बुला लो और ससुराल वालों को भूल जाओ? क्या झाजी ऐसा करने देंगे? और मैं क्यों करूंगी? आपको ये कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। गिफ्ट्स लेके आए थे इतने सुंदर सुंदर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत ही अच्छा। तो आप प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करिए प्लीज। ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज है और एक सेकेंड मैं इसे हटा लूं बिकॉज ये टूट ना जाए, शीशे की चीज है, इस वजह से इतनी ये सारी चीजें इसमें भरी हुई हैं। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये टेबल लैम्प है और कितना ही ज्यादा सुंदर है ना। अच्छा, तो ये मुझे विभा दीदी और दिलीप भैया ने दिया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये मैं कहाँ रखने वाली हूँ इसको भी डिसाइड करूँगी। साइड टेबल पे रखेंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिकल है ये, बहुत प्रिटी लग रहा है। और दीदी मुझे पता चल चुका है ये आपने अमेज़न से मंगाया है क्योंकि अमेज़न का बॉक्स है ये, देखो, है ना। अब ये जो सेकंड गिफ्ट है, ये बगल वाली भाभी थी, वो आए थे तो उन्होंने दिया है। ये भी बहुत सुंदर है, मैं भी देखती थी। भाभी थैंक यू, वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, आप ऐसे भी आ जाते तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता, बट थैंक यू सो मच। एक सेकेंड मैं इसे खोल के आप सभी को दिखाती हूँ। नहीं, हाँ, बोल सेट है, एक बड़ा बोल है और 6 छोटे छोटे बोल है, मतलब पुडिंग सेट कहते हैं इसे। हाँ, 7 पीसेस पुडिंग सेट, यस। तो इसमें हम खीर खाएंगे, ठीक है जाजी, ठीक है। और अब बारी आती है कपड़ों की। कपड़ों से याद आया, मैंने 2 चीजें तो रखी हुई है, 2 साड़ी। नानी ने मुझे साड़ी ने कैश दिया था और सचिन मनीषा भी आए थे, वो भी साड़ी लेके आए थे और इनके लिए कुछ जल्दी से ला नहीं पाए थे तो उन्होंने भी कैश दिया था इन्हें। होता है ना, लड़कों को कैश दे के ना सब इजली चूज नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या लेके जाए, आई गेस, है ना। साइज नहीं पता होता, लड़कियों का तो ये होता है साड़ी ऑल ओवर। तो और मम्मी पापा ने क्या दिया, तो मम्मी पापा ने रिंग दी थी, एक झाजी ने पहनी हुई है, एक मैंने पहनी हुई है। तो ये दोनों रिंग मम्मी पापा ने फर्स्ट एनिवर्सरी पे दी थी और हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हो पाई थी, तो आपने रिंग सेरेमनी भी व्लॉग में देखा होगा। तो ये रिंग तो मैं लेने भी गई थी, उसका भी व्लॉग डाला हुआ है कुकिंग व्लॉग्स पे, तो आप मेरी रिंग थोड़ा सा गौर से दिखाएं झाजी। और अपनी भी दिखाएं, ये रही ने डाली हुई। तो अब बात कर लेते हैं। अब आप सभी कहेंगे, मे बी अगर आप सभी को कंफ्यूजन हो विभा दीदी कौन है, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, ये बहुत लंबी हो जाएगी तो छोटी दीदी आई थी और बीच वाली दीदी आई थी, बड़ी वाली दीदी नहीं आ पाई थी बिकॉज उन्हें बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रखा था। और हाँ, फीवर था और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी, इवन झाजी को भी तो था, वो मौसम ही ऐसा चल रहा था उस टाइम पे 20-21 नवंबर, मतलब पूरा नवंबर ही ऐसा चलता है जिसमें ठंड भी होती है गर्मी भी होती है। तो दीदी को बहुत ज़्यादा फीवर था और वो आसपास नहीं रहते, थोड़ा सा दूर रहते हैं, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाए तबीयत खराब में। और कोई बात नहीं, उन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद 2 दिन बाद आए थे मिलने, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। तो छोटी वाली दीदी ने इन्हें दी है ये हाफ टी शर्ट, जो कि वो देके और ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि अब चलो दोनों जाओ गोवा घूम के आओ, बिकॉज ये कुछ उसी का ही वाइब देती है ना। झाजी की हाफ टी शर्ट जो दीदी ने दी है, इसके नीचे झाजी अपनी कैपरी पहनने वाले हैं और हम जल्दी ही गोवा घूमने वाले हैं, है ना झाजी? हाँ, हो ही जा रहे हैं बस वीडियो के बाद। पर बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही अच्छी टी शर्ट, झाजी को भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच दीदी। और आपने मुझे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर सूट दिया है, रेड कलर का सूट है, बहुत ही अच्छा है और इसे मैं जरूर सिलवाऊंगी, पहनूंगी और आप सभी को बताऊंगी, है ना। पूरा खोल के दिखाऊंगी, अब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मतलब ठीक है। यही वर्क है पूरे सूट में, ऐसा वर्क है और सेमी स्टिच्ड है, इस टाइप का वर्क है और नीचे ऐसे लेसेस है। सेमी स्टिच सूट है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, रेड कलर है। रेड कलर तो इतना आई कैची होता है और आजकल तो रेड कलर की चीज़ें बहुत सारी है मेरे पास, तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा सुंदर ये सूट बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये। और बीच वाली दीदी ने मुझे जो दिया है वो मुझे याद है दीदी, आपने राखी में वही सेम सूट पहना था। कमेंट सेक्शन में आप ही बताना कि मैं सच हूँ या नहीं। देखो मुझे दीदी ने ये सूट दिया है और सेम सूट दीदी के पास भी है, वो है घिया कलर में। और झाजी को दिया है ये फॉर्मल, दिया झाजी को। दीदी देख के ये बताना चाहती हैं कि नीरज तुम टी शर्ट और जीन्स पहनते हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़े फॉर्मल लुक भी ट्राई करो, बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इन्हें पहनने नहीं दूंगी। इन पे मैंने रेड कलर और फॉर्मल बैन कर रखा है, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं और मुझे नहीं पसंद ये कुछ ज्यादा अच्छे लगे। वैसे मजाक था ये बहुत सुंदर है सी, आपको भी अच्छा लगा ना झाजी? अच्छा। और दोनों ही कलर बहुत प्रिटी है, ग्रे और ये ब्लू, मतलब ये दोनों ही फॉर्मल हैं और कलर्स भी अच्छे हैं। पिंक नहीं है, पिंक देते तो झाजी पहनते नहीं। चकोर के पास एक टी शर्ट है पिंक, उसे इतना चिढ़ाते हैं। और ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है सी, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि झाजी के पास फॉर्मल जो है वो है मतलब नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, ऐसे ही है ना। ये कलर मिसिंग था, दीदी को सी पता था तभी उन्होंने ये कलर दिया। तो आप भी बोलो दीदी को थैंक यू। थैंक यू सभी को। और मैं दीदी का ये सूट भी दिखाती हूँ। बीच वाली दीदी ने दिया है ये मुझे और ये देखिए बहुत ही प्रिटी है, सेम उनके पास भी है, आई रिमेम्बर सी। और ये बहुत जल्दी मैं डालूंगी तो आप सभी को जरूर दिखाऊंगी। ये है और फ्रॉक सूट टाइप का है, ये इसकी पैंट है और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इज हैवी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और वीडियो पॉज करो, मैं जल्दी से साड़ी लेके आती हूँ, नानी ने जो दी मुझे साड़ी। दिखाओ, ऑन है? मैंने पूछा ऑन। 5 मिनट से ऑन है, बस ये अभी ऑन करेंगे और कहेंगे 5 मिनट से ऑन है। और मैं लेने गई तो मुझे याद आया ये जो मैंने कुर्ता भी अभी डाला हुआ है ये भी मुझे बीच वाली दीदी ने ही दिया था, जब वो लखनऊ गए थे, शादी के तुरंत बाद ही गए थे, एक हफ्ते बाद ही शायद, ऑफिस के थ्रू गए थे या फिर गए थे लखनऊ। तो वो मेरे लिए भी ये लखनवी कुर्ता लेके आए थे जिसमें चिकनकारी वर्क है, तो ये कुर्ता भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल लेती हूँ इसे भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डालती हूँ, हमेशा डाल लेती हूँ, जब मन किया तब पहन लिया, है ना चाची? और ये जो साड़ी है ये मनीषा लेके आए थे मेरे लिए, मनीषा और सचिन, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऑरेंज कलर की साड़ी है ये, बॉर्डर विद छोटे 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 ऐसे मार्क्स हैं इसमें, प्रिंट है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसमें बिंदी भी देखो कितनी सुंदर है। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप दोनों आए, इतना ही काफ़ी था, बाकी आप जो लेके आए वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगली बार कभी भी आए तो कुछ भी ना लेके आए, ऐसे ही आ जाए, बहुत मजा आता है। सचिन आए, इतना हंसाया, बहुत ही अच्छा लगा, है ना चाची? बहुत मजे आए। एनिवर्सरी हमारी ना बहुत अच्छी रही, बहुत ज्यादा। 3 बजे तक तो हम डिनर कर रहे थे। और ये साड़ी नानी लेके आई है मेरे लिए, पर्पल कलर की साड़ी है, ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पतले बॉर्डर वाली है, मेरे पास पतले बॉर्डर वाली साड़ी नहीं थी और टैसल्स के साथ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सी पूरी नहीं खोलूँगी, ये बंधेगी नहीं फिर। और ये ना कुछ कॉटन सिल्क मिक्स टाइप का इसका फैब्रिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर पतले बॉर्डर वाली है तो बहुत सुंदर लग रही है मुझे। ये नानी ने दिया और ये ही था हमारा यूनिवर्सिटी गिफ्ट। जो भी लोग आए थे, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था और घर घर का ही फंक्शन था। कैसा लगा आपको ये सारा जो मैंने दिखाया? सभी ने इतने प्यार से दिया, मुझे तो सभी के गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, दीदियाँ आई थी और सभी आए थे, ऐसा प्लीज़ कमेंट कभी भी ना किया करें, हर एक फंक्शन में वो आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।